हेलो एवरीवन, होप करता हूँ आप सब सही होंगे। अपना घर में रहिए। और आज मैं आपको किटकैट शेक बनाने जाने सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमको एक ग्लास दूध चाहिए और शुगर, आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, किटकैट चॉकलेट्स, और ये मेरा होममेड चॉकलेट सिरप है। आप रेडीमेड भी अमूल का चॉकलेट सिरप आता है और भी आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और क्रीम चाहिए। सबसे पहले मैं एक ग्लास दूध की जिनको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको जग में डालूँगा। एक ग्लास दूध और 3 टेबल स्पून शुगर, 3 टेबल स्पून शुगर टू टेबल स्पून चॉकलेट सॉस और किटकैट चॉकलेट आइसक्रीम। और अब हमें इसको हमें ब्लेंड करना होगा। हमको मिक्सर को ब्लेंड करने के लिए या तो हैंड ब्लेंडर या आप अपना घर में मिक्सर होगा उससे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसको हमको थोड़ा सा क्रीम डालना होगा। ग्लास में पोर करके गार्निश करनी होगी ग्लास की। तो गाइस, अब हम इसको ग्लास को गार्निश करना होगा चॉकलेट सिरप से। आप रैंडमली कहीं से कैसे भी इसको गार्निश कर सकते हो। अब हम इसको इसमें पोर कर रहे हैं चॉकलेट शेक को। सो गाइस, ये अब हमारा ऊपर से इसमें गार्निश के लिए। सो गाइस, जैसे कि हमारा एक किटकैट शेक है तो हम इसके ऊपर से एक किटकैट की चॉकलेट रख देंगे, एक इसके अंदर और एक इसके ऊपर। ले लीजिए, ये हमारा चॉकलेट शेक रेडी है।